हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर्मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक जो शल्य तंत्र का है, विदृधि यानी एब्सेस, जिसे कोरिलेट करते हैं एब्सेस से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, वो है शल्य में। और मैं यहाँ बता दूँ, आयुर्मेडिकल क्लासेस का सबसे मेन मोटिव जो है वो है सिलेबस टू सिलेबस। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम सिलेबस टू सिलेबस वर्क कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए और सिर्फ वीडियोज़ को पूरा कम्प्लीटली देखिए, स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ आज पार्ट बी, जो कि आपके शैल्य सब्जेक्ट का है, जिसमें 50 मार्क्स आते हैं। उस पार्ट बी में एक टॉपिक होता है जिसमें पूछा जाता है निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण, साध्य, साध्य, उपद्रव और चिकित्सा। ये जो है सारे टॉपिक जो पूछे जाते हैं, इसमें एक चीज़ थी कि आपसे पूछा जाता है व्रण, शोफ, वृद्धि, पीड़िका, नाड़ी वर्ण और वर्ण ग्रंथि। तो यही टॉपिक मैं कंटिन्यू बैक टू बैक एक के बाद एक में लेके आने वाली हूँ। आज मैं शुरू करूँगी इस टॉपिक को। तो यहाँ मैं शुरू करूँ, इन्फ्लेमेशन जो है टॉपिक, इसके सबसे नीचे है वृद्धि। तो वृद्धि यहाँ टॉपिक है जो मैं शुरू, इसके बाद पीड़िका और आने। तो चैनल में बने रहिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करने वाले, क्योंकि शुरू होने वाला है ये बैक टू बैक लेक्चर, जिसमें सारे ही टॉपिक एक वन बाई वन मैं पूरा क्लियर करूँगी जो आपके एग्जाम से होते हैं। टाइम को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आते हैं, पहला पॉइंट था निरुक्ति। तो आपके सिलेबस में निरुक्ति पूछी जाती है, तो हम पहले लिखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति में आप अपने आंसर में देखोगी, जो कि ये आंसर लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग बनता है, जिसमें से अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आप शॉर्ट आंसर को कंप्लीट कर लेते हो और जो आपके वेरी शॉर्ट्स में वो भी कंप्लीट होंगे। तो निरुक्ति में है शीघ्र विदा जो हो जाए, पाक हो जाए, उसे कहते हैं विदृधि, यानी तत्शीघ्र विदाहित्व। ठीक है, तो ये जो लाइन है तत्शीघ्र विदाहित्व, इसी को जो आपका है इम्पोर्टेंट निरुक्ति में आपको लिखना है और इस श्लोक को याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है दुष्ट रक्त जो होती है, यानी दुष्ट रक्त की अति मात्रा हो जाने पर शोफ शीघ्र विदग्ध हो जाता है, यानी पहले कोई भी शोफ। अब आपके दिमाग में है कि ये शोफ और ये विदग्ध क्या है, तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये होता क्या है। तो ये चीज़ कुछ मैंने पिक्चर्स आपको कलेक्ट करके बताई है। जैसे ये विदृधि क्या है, कोई छोटा सा जो पहले इन्फ्लेमेशन के रूप में आपको दिखता है, और वो जैसे कह सकते फुंसी की तरह, दाने की तरह, जिसे कभी कभी अपने दिमाग में रखो कि लोग कहते हैं बाल तोड़ हो गया, या फिर आर्म पिट्स जो होती हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। एनल जो पोर्शन होता है वहाँ पर देखने को मिलती हैं, या फिर किसी भी जगह बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बाहरी और इंटरनल, यानी बाहर और अभ्यंतर दोनों होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर जो है शो कर रही हूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे इस तरीके से विदग्ध हो जाता है, पहले क्या होगा, एक इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद वो वहाँ पे एक छोटा सा उसका मुख खुल भी जाता है, किसी किसी में मुख नहीं होते हैं, और विदग्ध होने लगता है वो धीरे, यानी पाक हो जाता है। तो पाक होने के बाद उसमें पुया बन जाती है, शुरुआत में बहुत रेड रेड कलर सा होता है। तो ये आप समझ लो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका निरुक्ति कि जब दूषित रक्त की अति मात्रा हो जाए, यानी दूषित रक्त बढ़ जाए, तो जो इन्फ्लामेशन या सोफ जो होता है वो धीरे धीरे विदग्ध हो जाता है। इसी को कहते हैं पीजी की प्रिपरेशन करने वालों को भी, कि मोस्टली ये माइंड में क्लियर रखते हैं कि कौन से टॉपिक्स या किसकी निरुक्ति या फिर कहाँ पे उसका वर्णन है। तो आचार्य सुश्रुत ने संहिता में विदृधि का निदान स्थान में ये वर्णन किया है, निदान स्थान में 9वें अध्याय में, जिसका नाम है विदृधि नाम निदानम व्याख्यासम, और चिकित्सा स्थान में 16वें अध्याय में विदृधि चिकित्सा में इसकी चिकित्सा बताई। और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 17वें अध्याय में, याद रखिएगा 17वें अध्याय में क्रियंत शीर्ष अध्याय जो है आपका, उसमें बताया गया, जहाँ पे शिरो रोग का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद विदृधि की भी निरुक्ति कही गई है। बागभट्ट ने इसे निदान स्थान के 11वें अध्याय में बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। निरुक्ति के बाद पूछा गया था आपके सिलेबस में निदान। तो निदान बहुत ही निदान में है गुरु, साथ में विरुद्ध अन्नम, शुष्क संस्करण भोजनात्, अतिव्यायाम, वेगाघात विदग्ध। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जब गुरु आहार, असात में आहार या विरुद्ध आहार या शुष्क आहार, संदृष्ट का मतलब है दूषित आहार जब हम करते हैं, तब हमारे अंदर ये इस तरीके की शोप और यही शोप चेंज होकर के क्या विदग्ध होती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, रक्त को दूषित करती हैं। उसके साथ ही बहुत से हैं कि कहा कि दोष जब कुपित होकर एक गुल्म के समान रूप बनाता है, लेकिन गुल्म और विदृधि में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कहा गया है
एक है वल्मिक, वल्मिक इसकी आकार को वल्मिक आकार कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड देख लीजिएगा, ये कहा गया है विद्रिदि के आकार को, ठीक है, वल्मिक आकार जो उभार हो जाता है उसे वल्मिक बोला गया यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है इसके। तो हम चलते हैं, यानी जब हम गुरु असात्म्य विरुद्ध शुष्क, ठीक, गुरु असात्म्य विरुद्ध शुष्क, पथ्य पथ्य मिलित भोजन, अतिव्यय यानी बहुत ज़्यादा संभोग करना, बहुत ज़्यादा सेक्चुअल या फिजिकल एक्टिविटीज़ को कही गई है, अतिव्यय बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और या अधारणी वेगों को रोकना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे चरक ने भी कहा था अधारणी वेगों को रोकने से होता है। तो याद रखना, मैं चीज़ों को बहुत कोरिलेट करके आपको समझाती हूँ कि जिससे आप सुनते सुनते ही अपने आंसर को अपने माइंड में बना लें और इसको रटने या कुछ ऐसा करना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, रटना ना पड़े। तो मैंने बता दिया कि जब आप दूषित आहार खाएंगे तो दाह उत्पन्न हो जाएगा और यही अलग अलग जगह एकत्रित होता है, दोषों को कुपित कर देता है और गोले के स्वरूप यानी एक उभार सा हो जाएगा और वाल्मीकि के समान, ठीक है, वाल्मीकि यहाँ एक हल्का सा ऊंचाई को कहा गया, उसके समान विद्रिदि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेतु। नेक्स्ट चलते हैं, आपका टॉपिक आता है वो है आपका कि संप्राप्ति। तो निरुक्ति, हेतु, अब संप्राप्ति। संप्राप्ति आप क्या पढ़ रहे हैं, संप्राप्ति ये है कि इसमें मैंने एक मार्क किया है, याद रखना, ये जो महामूलम रुजावंतम वृत्तम चाप्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या रट लो स्ट्रेंड्स, ये जो वर्ड आ जाना तो तुरंत समझना विद्रिदि है, ठीक है। महामूलम रुजावंतम वृत्तम, ये इसकी संप्राप्ति में, इसके लक्षण में, जहाँ भी आपको इसको एक्सप्लेन करना हो ये वर्ड्स आप खुल के यूज़ कर सकते हो, महामूलम रुजावंतम वृत्तम, ठीक है, चाप्य। तो ये जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, अब चलती हूँ संप्राप्ति में। तो ये त्वचा, त्वक, मांस, मेद को दूषित करते हैं, यही इसके आश्रय हैं। तो संप्राप्ति है कि जो वात आदि दोष होते हैं जब हम निदान सेवन करते हैं, जब इस तरह गुरु असात्म्य पथ्य पथ्य अतिव्यायाम इन सब तरह का, और वेगों को रोकते हैं, वेग अधारणी वेग यानी मलमूत्र की जो वेग होते हैं, इन सब वेगों को जब रोकते हैं तो दोष त्वचा, रक्त, मांस, ठीक है, त्वचा, रक्त, मांस और मेद धातु में दूषित होते हैं और ये अस्थि के अंदर जाकर के आश्रित तो धीरे धीरे भयंकर शुभ एक इन्फ्लामेशन देते हैं, ठीक है। दूषित जो दोष थे वो दूषित हुए त्वचा में, रक्त में, मांस में यानी स्किन में, ब्लड में, और जो अब मसल्स पार्ट्स उसमें जाकर के मेद में या जो एडिपोज टिश्यूज उनमें जाते हैं, वो बोन्स के अंदर वहाँ पर दूषित होने के बाद धीरे धीरे बोन्स के रूप में आश्रित हो जाते हैं। तो बोन्स के प्लेस पर यानी अस्थि के अंदर आश्रित होते हैं, वहाँ पे जाके धीरे धीरे क्या होता है, एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। ये जो इन्फ्लामेशन होता है महामूल, मैंने बोला ना महामूलम, तो यानी अस्थि जो ये महामूल है जिसमें गंभीर धातु भी जितनी भी धातुएं होती हैं वो महामूल में आती हैं, ठीक है। तो जब महामूल में हो जाएगा तो वहाँ पे शोफ हो जाएगा और यही शोफ धीरे धीरे पीड़ादायक पाक बन जाता है, गोल सा उभार हो जाता है और धीरे धीरे फैल जाता है, इसी को कहा गया विद्रिदि। आराम से समझाया, आप इसे बार बार सुन सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे बने हो तो स्किप मत करना और पूरा आंसर कम्प्लीट ही सुन के जाना। तो जो मैंने बताया कि जो आपका इन्फ्लामेशन होता है, धीरे धीरे पाक होता है, यही क्या है, विद्रिदि है। तो आपके दिमाग में आज इस वीडियो को देखने के बाद विद्रिदि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए। विद्रिदि किसी को भी समझाते तो आपको एब्सेस या विद्रिदि वर्ड आएगा तो ये लेक्चर रिमेंबर रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आते हैं हम चौथा पॉइंट, हमने पढ़ लिया निरुक्ति, हेतु, निदान, प्रकार पे। तो आंसर कंप्लीट हो जाता है जब आप ये प्रकार लिखते हो, आपने 50% आंसर कंप्लीट कर दिया, इसी के साथ 5 मिनट में आपने 50% आंसर समझ लिया। मेन पॉइंट है, ये प्रकार दो तरह के होते हैं, एक है बाह्य और एक होता है अभ्यंतर। बाह्य को 6 फिर फर्दर डिवाइड किया गया, अभ्यंतर को 10। तो स्टूडेंट्स आप 6, 10, 16 तरीके को समझ रहे हो, लेकिन क्या बताओगे, दो प्रकार की विद्रिदि होती है, एक बाह्य विद्रिदि और एक अभ्यंतर विद्रिदि। अब बाह्य को जो है यानी एक्सटर्नल को 6 पार्ट्स में और कहा गया और जो इंटरनल है उसको भी 10, प्लेस के अकॉर्डिंग स्थान के आधार पे। अब हम चलते हैं, वो बाह्य में वातिक पैतिक, मैंने देखो यहाँ पे एक छोटा सा कोड दे दिया, VPKRSA, कहीं भी आपको मैं बता दूँ ये ट्रिक अपना मेज तरफ से लिख के रट लो, कहीं भी मोस्टली आयुर्वेद में वातिक पैतिक कफ सनिपात आगुंतर रक्त इस तरह से चलता है, तो आप इसको रट लो। मैं तो हमेशा मोस्टली यही यूज़ करती थी, वातिक पैतिक कफज और एस से शनिपातज, ए से आगंतुज, आर से रक्तज, ठीक है। अब इसी को जो आपके 6 हैं इसी को आप इधर VPKRSA इस तरीके से बना करके टिप पे रख सकते हो। अभ्यंतर में है गुदा में, वक्र में, वस्तिमुख में, यकृत, नाभि, पीलपलीहा,
कुछी, हृदय, वंचर और क्लूम, इन सारे स्थानों में अभ्यांतर की विवृद्धि का बताया गया कि यहाँ पे आश्रित होते हैं, यहाँ पे इनका स्थान है। चलते हैं अब लक्षण पे। तो हमारा अब आया छठा पॉइंट, लक्षण। तो हेतु निदान सब करते हुए आप संप्राप्ति बताते हुए आप आए थे, भेद बता दिया आपने लक्षण पे। तो अब आपके आंसर को हम 60% कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे चैनल पे स्किप किए बिना आप मेन आंसर देखो, लक्षण। लक्षण वही महामूलम रुजावंतम, महामूल मतलब जहाँ महामूल स्थान होते हैं वहाँ पे होता है, या अस्थि मेरे इन सब चीज़ों को भी धातु पे, मेन मेन धातु में पाया जाता है। रुजावंतम का मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है, पीड़ादायक, पीड़ा युक्त होता है। वंतम शब्द का है गोल आकार का आयत जो फैला होता है। आयतम देखो लास्ट में लिखा आयतम, तो आयत का मतलब फैल जाता है, ठीक है। तो आपको भी मैंने जो दिखाया ना कि कैसे फैला हुआ है, ये किस तरीके से फैल जाता है धीरे धीरे इन्फ्लामेशन को लेते हुए, ये फैल जाता है। तो वही वर्ड्स यहाँ बताया गया कि किस तरीके से फैला हुआ होता है, पूरा जो इन्फ्लामेशन होता है घेर लेता है। ये जो ब्रेन का एब्सेस है, ठीक है, मस्तिष्क में किस तरीके से होता है उसको दिखाया गया। अब चलते हैं, तो आप जब लक्षण बताओगे तो महामूलम रुचावंतम लिखना ना भूलना। मैं इतनी बार बोल रही हूँ ना कि अब एग्ज़ाम में जब लिखोगे तो महामूलम रुचावंतम व्रंतम, ये कहीं भी देखोगे तो आप वृद्धि को टिक कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निदान स्थान में 9वां अध्याय 5वां श्लोक है। उसके बाद ये कहा गया कि जो वायु वृद्धि होती है वो त्वचा में, स्नायु में, आचार्यचरक ने बोला कि मांस में उत्पन्न होता है, कंडरा यानी स्नायु जो होती है उसमें स्थूल, ऐसा छूने पर लगता है कि खुरदरा सा हुआ है और कुभार सा होता है, ठीक है। और आकार में बहुत आकार इसका जो होता है वो गोल सा होता है और अत्यधिक वेदना होता है। तो अगर कभी किसी को बाल तोड़ जैसा कुछ एब्सेस या फिर आर्म पिट्स में कभी हुआ हो तो उसे ये पता होगा कि बहुत ही पेन होता है, ठीक है, कि जब कभी ऐसा हो जाता है कहीं भी हो, थाइस भी या फिर आपके आर्म पिट्स में, एनल पे या फिर कहीं भी ये छोटी सी विद्रुति हो जाती है तो बहुत पेनफुल होती है। उसके बाद विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है वातिक, पैतिक और कफज और जितने भी भेद हैं उनकी एक पर्टिकुलर आप कैसे जानोगे कि वातिक विद्रुति है कि पैतिक। तो वातिक में देखोगे रंग काला होगा, कुछ लाल होगा, कठोर सा होगा, पीड़ा तो होगी सब में क्योंकि इसका मेन लक्षण है, लेकिन अनेक प्रकार से उठने पर पकने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द है कि काला और खुरदुरा सा, ठीक है, तो समझ जाएंगे इसमें वातिक है। दूसरा आता है विशिष्ट लक्षण में पैतिक का, तो बहुत फास्ट फास्ट आप सब तो देख लो। पैतिक में एक वर्ड है कि गूलर के फल के समान इसका पकता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि पक्को आदुम्बर, ठीक है, आदुम्बर जैसा, तो ऐसा लगता है। उसके बाद श्याव, कुछ श्याव होता है हल्का सा उसमें, मतलब पित्त है तो एक सिक्रीट करेगा धीरे धीरे, और उसमें फीवर क्योंकि ये पित्तिक लक्षण है, तो पित्त लक्षण में क्या होता है दाह होगा और जल्दी उठ जाएगा और पक जाएगा क्योंकि उष्ण होगा तो पाक में सहायता करता है, इसलिए बहुत जल्दी पैक हो जाता है। कफज में क्या होगा, जो शराव के समान होगा, ठीक है, शराव के समान ये फैल जाता है, जैसे शराव से फैली होती है वैसे शराव के समान ये फैल जाता है। पांडु और शीत होगा, तो कफ का तो आप मानोगे कफ में शीत लक्षण होता है, ठीक है, तो शीत लक्षण यहाँ पे होगा कि ये शीत होगा, तो शराव सदृश शराव के समान पांडु शीत स्तभ्य अल्प वेदना, वेदना थोड़ी इसमें कम होगी और देर से पकेगा क्योंकि शीत है इसलिए इन्फ्लामेशन तो होगी लेकिन देर से पकता, तो ये कफज विद्रति है। देखो बहुत है, कंडुयुक्त बिना आंख बंद करके आप लिख सकते हो कफज में कि ये कंडुयुक्त है, और ठीक है यहाँ आपको ये सोचना ही नहीं है कि कफज है तो कंडुयुक्त लिख सकते हो, शीत लिख सकते हो और अल्पवीड़ा कर लिख सकते हो, तो ये जो है बहुत ही ईजी है। ये चलने के बाद एक विशेष लक्षण में मैं बता दूँ कि वातज विद्रि, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन करते चलो स्टूडेंट्स, ये है वातज विद्रि, पित्तज विद्रि और कफज विद्रि। तो आप याद रखो वातज में थिन यानी तनुषा होगा, पित्तज में पित्तशा येलोइश कलर का, कफज विद्रि में पांडु वर्णी होता है यानी श्वेत शा होता है, व्हाइटिश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने आंसर को मेंशन कर देते हो आंसर में और एक इफेक्टिव व्यूज जो एग्जामिनर्स को मिलता है कि हाँ इस बच्चे ने क्लियर आउट करके स्टडी करी है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका आता है शनिपाता जरागुण, तो बहुत कम बचा हुआ है, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ और अपना ज़रा सपोर्ट मुझे दिखाओ कि मुझे ज़रा और जल्दी से जल्दी मैं सारा ये जो है छोटे छोटे सारे टॉपिक बैक टू बैक ख़त्म करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी 10 से 15 दिन में सारे टॉपिक ओवर करूँ, ठीक है। इसके साथ आता है शनिपातज, तो इसमें होता है शनिपातज वातज भी है, पित्तज भी है, कफज भी, तीनों दोषों से मिला हुआ, तीनों दोषों जैसा होगा, उसमें इसके रंग को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा अलग अलग, पीड़ाकर होगा ये, श्राव होगा, उभरा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा और विषम रूप इसमें दिखेगा, यानी सारे दोषों को लेकर के होगा। तो विषम रूप यहाँ पे जो है, विषम पचते चापी विद्रति शनिपात, ये इसका
समझ जाना कि विषम है, क्योंकि सारे गुण हैं इसमें, वातज भी पित्त भी कफ भी। आगंतुष, जो चोट लगे या किसी बाहरी कारण के कि गिर जाने के कारण, चोट लगने, कोई क्षति हो जाने के कारण हो, तो काष्ट से, लौह से, पाषाण से, ऐसे किसी भी से आपको जब चोट लग जाए, ठीक है, तो आगंतुष होता है इसके लिए। तो यहाँ पे आप एक लिख लो, आगंतुष में काष्ट, लौह, पाषाण या कोई भी ऐसे बाहरी चोट से, छत से, मिथ्या हार विहार करने से, या वायु जब प्रेरित होकर छत करें, ठीक है, तो वात होगा ना, आगंतुष में वात का रूप है। यहाँ पे कहा कि ज्वर, तृष्णा, दाह, जैसे तय, ये जो लाइन है ज्वर और तृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि वायु प्रेतों की क्षति होगी, वो क्या होगी, उष्णता उत्पन्न कर देगी, पित्त कुपित हो जाएगा, पित्त कुपित होते ही ज्वर, तृष्णा और दाह, ये तीनों होंगे। तो ये आगंतुज की वृद्धि जो है वो पित्तज वृद्धि से समतुल्य की गई, उसके लक्षणों से समतुल्य की गई। तो ये पॉइंट यहाँ पे कह सकते हो कि आगंतुज तो पित्तज से होता है, ये हर जगह मैं पित्तज को बताती हूँ कि जो आगंतुज होता है वो पित्तज से कोरिलेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रक्त का दोष होता है, रक्त स्राव हो रहा होता है, तो इसलिए दाह होता है, ज्वर भी आ जाता है, तो ये सब पित्तज के दोष होते हैं। फिर जो है आपका आता है रक्तज वृद्धि, लास्ट है, उसके बाद आपकी सिर्फ चिकित्सा होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, चैनल को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। आपको आयुर्वेद मेडिकल क्लासेस आपके लिए बनाने वाला है बहुत ज़्यादा बेनिफिट आंसरिंग। तो रक्तज वृद्धि में वही है कि काले फोड़े फुंसी होती है, ब्लैक ब्लिस्टर्स, ठीक है, श्राव वर्ण होगा, यहाँ पे ना कृष्ण स्फोट वृत्ता, ये जो पॉइंट है कृष्ण स्फोट, तो यहाँ पे जो है रक्त वृद्धि में होता है त्री, बहुत ज़्यादा दाह होगा क्योंकि रक्तज है, पीड़ा होगी, ज्वर होगा। तो यहाँ पे सेम है ना कि जहाँ पित्त आया, आगंतुज आया, या रक्त की बात हो रही, तो आप यहाँ पे पीड़ा तो खुल के लगो। तो आपको सारे जो विशिष्ट लक्षण हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पहचान करना होगा, एज अ डॉक्टर आप पहचानोगे कि वृद्धि में किस दोष की चिकित्सा करनी है, किस तरह से इसको शांत करना है, कौन सा समन, कौन सा शोधन करना है, क्योंकि समन शोधन चिकित्सा भी इसमें दोषों के अकॉर्डिंग होगी, और वहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने जो औषध होंगे उन्हें परिवर्तन करना होगा, उसे चेंज करना होगा, क्योंकि कहीं पे लेप में कुछ है, लगाना, कहीं उपना में कुछ है, परिषेक किसका करना है। यहाँ की रक्त मोक्षण आपको वातज रक्त मोक्षण, पित्तज रक्त के लिए अलग रक्त मोक्षण की विधि उपयोग करनी पड़ेगी, और कफज में अलग, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहना। एक नोट पॉइंट है जो नोट करना, कि जब रक्तस्राव होता है या गर्भपात हो या स्त्री इसके बाद रक्तस्राव हो जाए या गर्भपात होकर गर्भस्राव हो जाता है, एबॉर्शन हो गया, या फिर नॉर्मल भी प्रेग्नेंट जब डिलीवरी, प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद अगर ये आचार्य चरक ने एक तरह से एक्सप्लेन किया, आचार्य सुश्रुत ने भी इस चीज़ों को बताया कि अगर इसके बाद भी आहार विहार वो गलत करती है, तो उसके दूषित आहार विहार की वजह से उसमें दाह, ज्वर उत्पन्न होता है, और एक तरह की रक्त विद्रृति यानी परप्यूरल सेप्सिस, जो वर्ड यहाँ दिया गया वो क्या है, परप्यूरल सेप्सिस जो है वो उसमें कोरिलेट किया गया यहाँ पे कि परप्यूरल सेप्सिस होता है, ठीक है, तो परप्यूरल सेप्सिस रक्त वृद्धि के ही कोरिलेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अभ्यांतर वृद्धि, तो अभ्यांतर पेनियल सेप्सिस होता है या सब एल्वुलर जो होता है वहाँ पे, ये एनल पार्ट में यानी गुदा पार्ट में, तो ये सारे जो है कोरिलेट किए गए। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे उनके विशेष लक्षण की, वात निरोध होगा, ठीक है, वस्ती में कृष या अल्पमूत्रता होगी, हिक्का और आटो नाभि वाले विद्रृति में होगा, कुक्षी जो पार्श्व में बहुत सूल होगा, पीछे वायु का प्रकोप होगा, ये कुक्षी में होगा, वंछन यानी कमर और पीठ में जकड़न हो सकती है, वक्र में पार्श्व संकोच हो सकता है। तो ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे तभी आपका आंसर भेद जो जितने हैं ना उसको कंप्लीट करोगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि इस जो यहाँ पे आपको रेक्टल है, रेक्टम, तो रेक्टम के नीचे यहाँ रेक्टल पार्ट पे एब्सेस होगा या स्फिंक्टर पार्ट में, उसके बाद आपका जो पेरिनियल पार्ट होता है यानी रीनल के, यहाँ पेरिनियल जो पेरी एनल पार्ट हो, यहाँ से पेरी एनल के जो उभार होते हैं वहाँ पे जो कोई एब्सेस होगा, इसको सबक्यूटेनियस एब्सेस भी कहते हैं। उसके बाद अगर ऊपर थोड़ा सा हो जहाँ पे जो सुप्रा एल्वुलर पार्ट यहाँ पे एब्सेस होगा यहाँ, ठीक है, तो सारे जो हैं ये एनल में ही, देखो कितने यहाँ पे मॉडर्न में आपको कोरिलेट हुआ है, ये सारे नाम जो आपको मॉडर्न मिल जाएगा, लेकिन वो आचार्यों ने भी कितने सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके साथ ही अब आए प्लीहा, तो आपको पता है स्प्लीन में स्प्लैनिक एब्सेस, स्प्लीन में इंटरनल है तो उसमें श्वास अवरोध होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर एब्सेस कहीं भी है तो सांस में परेशानी होगी, यकृत में भी तो भी श्वास में परेशानी हो रही है, उसके बाद अगर हृदय में हो तो भी वहाँ काश श्वास हो रहा है, तो जो रेस्पायरेटरी फंक्शन है वो इफेक्टेड हो रहा है, चाहे प्लीहा में हो, चाहे हृदय में हो, चाहे यकृत में, एक लो में प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, एक पीड़ा हो रही है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, लीवर एब्सेस में भी तृष्णा होती है और उसके साथ ही क्या होता है, पिपासा, प्यास बहुत लगती है,
ठीक है, श्वास में यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एब्सेस अगर कहीं भी है इंटरनली तो सांस लेने में परेशानी होती है, ये चीज़ यहाँ पे आचार्यों ने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं तो आपका आता है साध्य साध्यता, उसके बाद उपद्रव, देन आपका की चिकित्सा। टॉपिक ओवर हो रहा है, इसको जानने के लिए प्लीज़ बने रहिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ साध्य साध्यता में बाह्य जितने भी हैं सब साध्य हैं, सिर्फ सनिपातिक को असाध्य कहा गया। अभ्यांतर में जितने भी मर्म स्थान में या फिर जो छोटा हो या बड़ा लेकिन वो पक् हो, ठीक है, तो उनको कष्ट साध्य कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा कष्ट साध्य होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट को मैं बता दूँ कि अब ये चीज़ असाध्य साध्य पूछी गई है आपकी नेक्स्ट टाइम, उसके बाद पूछा गया उपद्रव। तो उपद्रव बताने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि उपद्रव में इसका बहुत है कि अधिमान युक्त होता है। ठीक है, अधिमान युक्त होगा, मल मूत्र और पुए। मैं बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप पूरे आंसर को देख लें, ये नहीं है कि समय को देखते हुए सोचें कि बहुत लंबा है और मैं नहीं देखूँ। तो कृपया ध्यान से सुनना, बहुत आराम से आराम से टॉपिक को सुनोगे तो आपका टॉपिक लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में अगर आंसर नहीं लिख पाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते काश पढ़ लिया होता, काश देख लिया होता। तो इधर उधर देख, आप जो अपना टाइम वो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी दे दो। उसके बाद उपद्रव, तो उपद्रव आपका जो है, उपद्रव में ये कहा गया कि अधिमान युक्त मल होता है। ठीक है, मल मूत्र, जो मूत्र वो पोया अवरोध करेगा, ठीक है, पस को मूत्र या पोए को अवरोध करता है। छर्दी, हिक्का, तृष्णा, वेदना, ये सब उपद्रव हैं। श्वास से पीड़ित व्यक्ति में ये मृत्युकारक होता है। तो विद्रधि के उपद्रव हैं कि विद्रधि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके उपद्रव में यही होता है कि अगर श्वास से पीड़ित है और विद्रधि हो गई तो और श्वास की दिक्कत हो गई तो इसमें उसकी जान को खतरा हो जाता है। ये अभ्यांतर के समय बहुत ज़्यादा ये परेशानी देखी गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपका टॉपिक आता है चिकित्सा। चिकित्सा दो समान की, तो अब चलते हैं चिकित्सा पे। तो चिकित्सा दो तरह की कही गई, पहला पस बनने से पहले और दूसरा पस बनने के बाद। ठीक है, पस बनने से पहले हम वातज, पित्तज, कफज के अनुसार हम जो है चिकित्सा करेंगे। लेप लगा सकते हैं, जैसे वातज में लेप उपना, स्वेदन करेंगे, रक्तमोशन, ये लिख लो यहाँ पे गौशंग। ठीक है, गौशंग से हम करते हैं वातज में, ठीक है, रक्तमोशन गौशंग से करते हैं। पित्तज में लिख लीजिए, पित्तज में हम जो है रक्तमोशन जलौका द्वारा कर सकते हैं और कफज में अलाबू से करते हैं। ठीक है, तो रक्तमोशन की विधियाँ तीनों में अलग है, ये आप नोट करके अलग भी वहाँ मेंशन करोगे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। उसके साथ ही पित्तज में लेप करोगे शर्करा, धान का लावा, मुलेठी से, सारीफ से, चीर काकोली, इन सब से कर सकते हो, चंदन से, क्योंकि पित्तज में दाह होता है तो उसको शांत करने के लिए। उसके साथ ही परिषेक जो है, परिषेक अगर आप कर रहे हो तो इतना याद रखना कि यहाँ पे जो उष्ण या शीतल का शीत कषाय होता है, ठीक है, जैसा उपयुक्त हो उसे दूध और गन्ने के रस से कर सकते हो। विरेचन में हरीती का चूर्ण ले सकते हो, मधु मिला के चटा सकते हो। शिरावेद तो बहुत इंपॉर्टेंट, शिरावेद करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कर्पूर जो प्रदेश होता है वहाँ पे शिरावेद कर लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुरपर प्रदेश होता है वहाँ पे हमें शिरावेद करना चाहिए। और कफज में स्वेदन, वमन, रक्तमोशन किसे अलाबू से। तो यहाँ पे क्या है, कफज में आप शिरावेद करोगे तो आपने बताना जो यहाँ पे शिरावेद आप करोगे वाम पर्शम, ठीक है, जो स्तन के मध्य वाला भाग है वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, इस कफज वाले स्थान पे। रक्तज और आगंतुज में जो होते पित्तज विद्रधि की चिकित्सा कर दी जाती है। तो याद रखना, जो रक्तज और आगंतुज है वहाँ पे आप लिख सकते हो कि पित्तज विद्रधि के समान ही हम यहाँ पे चिकित्सा करते हैं। और आमज विद्रधि में व्रण शोभ के समान, अगर आम हो वहाँ पे तो हम आमज के हिसाब से जो व्रण शोप की चिकित्सा होती है, उपक्रम होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए मैंने पित्तज का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। लास्ट है, जब पुई बन जाएगा तो भाई आप पाटन, शोधन, रोपण और व्यक्रात उपक्रम यूज़ करोगे। अपक विद्रधि का भेदन नहीं करना चाहिए, अपक विद्रधि का भेदन नहीं करना चाहिए, नोट डाउन कर लो। पक विद्रधि का ही भेदन करो, अपक विद्रधि का भेदन नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे नोटेड पॉइंट होता है। उसके साथ ही जो है तब पाटन, जैसे धारण करते हैं, पाटन करते हैं, जब पूरी पस को निकालोगे तो आप धारण विधि प्रयोग करोगे, भेदन या विश्रामण करोगे। वातज विधि में भेदन करने के बाद शोधन की चिकित्सा भी करोगे, जहाँ पे बृहत पंचमूल जो क्वाथ है उससे व्रण का प्रच्छालन करेंगे। तो ये नोटेड पॉइंट है, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो। उसके बाद रोपण विधि में मैंने यहाँ बता दिया है कि रोपण विधि में जो भेदन करने के बाद आप रोपण करते हो, जैसे कि व्रण जल्दी हील हो जाता है, तो कुलथी, दंती, निषोध और काला निषोध, मदार, तिलवक, सेंधा नमक, साथ गाय का जो मूत्र होता है उसके साथ सिद्ध तेल होता है उससे रोपण करो।
ठीक है, और रक्त जागरण विधि में पित्त विधि की चिकित्सा करनी चाहिए, रट लो। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं कहूँगी, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के पूछा जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, पूछा गया 5 साल में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो सभी यूनिवर्सिटियों ने पूछा है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पे बने रहिएगा, आने वाली है एक के बाद एक सारी वीडियो इस टॉपिक पे जो कि मैंने आपको सिलेबस पे मेंशन करी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।